मित्रों ये आप देख रहे हैं कि एक ये नींबू का पेड़ है, जो बड़े वाले नींबू होते हैं उनका ये पेड़ पौधा है, पेड़ है कह सकते हैं, छोटा पेड़ जिसको श्रब भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। और ये नींबू देखिए, नींबू का फल इसमें ये लगा हुआ है, और इसी पौधे की ये एक पत्ती मैंने तोड़ी थी, तो ये इसमें कुछ अत्यंत ही विशेष इसका रूप है, जो कि आम तौर पे पत्तियों का नहीं मिलता। सीधी सीधी एकहरी पत्तियां होती हैं पौधे की, ये आप देख सकते हैं, ये सामान्य पत्तियां हैं। और दूसरे स्थान पर उसी में जो है इसी पेड़ की एक ये पत्ती है, जो एक भिन्न प्रकार की है, ये आप देख सकते हैं, जिसे हम जुड़वा पत्ती भी कह सकते हैं, या ट्विन लीफ भी कह सकते हैं, या टू इन वन भी कह सकते हैं। दो पत्तियों के मिलने से ये एक पत्ती बनी है, संभवतः यहाँ से ये दूसरी पत्ती बनती। ये जो यहाँ पर एक चिन्ह है, लेकिन ये पार्टीशन ना होके बटने के स्थान पर दोनों एक हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकृति का एक कमाल है, ये पीछे से उस पत्ती का रूप है। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग अ यूनिक लीफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस लेमन ट्री। दिस इज अ लेमन लीफ विच इज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लीफ, इट अपीयर्स दैट टू लीव्स हैव जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट दिस यूनिक पैटर्न ऑफ अ लीफ। And this leaf belongs to this lemon tree, as you can see over here, with the lemon fruit. It is bearing a lemon fruit over here. And this leaf presents a unique feature, a unique natural feature, which I thought I should bring to your notice. It is an interesting fact, and you can see the leaf from behind also. This is the leaf, and these are the normal leaves of the same twig of the lemon tree, and this is the unique conjoint leaf or twin leaf, as you may call it. Two leaves have joined together to create this unique pattern of a single leaf. नमस्कार, धन्यवाद।